नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और लेक सिटी न्यूज की टीम पहुंची है फूलों की घाटी। जी हाँ, वन विभाग क्षेत्र में आने वाली फूलों की घाटी, पहले कभी यह एक सार्वजनिक रोड हुआ करती थी, लेकिन वन विभाग ने अपने कब्जे में लेने के बाद में यह वन्य जीवों के लिए एक सुलभ जगह साबित हो गई है। कोरोना के केस की कम संख्या होने के बाद उदयपुर में पर्यटकों का आने का रुझान अब शुरू हो गया है। वहीं अगर देखें तो वन विभाग के जो प्रयास है वह काफी सफल साबित हो रहे हैं। फूलों की घाटी में अब वन्य जीव खुले और आराम से घूमने लगे हैं। अगर आप सुखेर के फूलों की घाटी में पहुंचेंगे तो यहां पर आपको एक जिप लाइन और एक पैंथर गैलरी भी दिखाई देगी, जो टूरिस्ट के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वन विभाग द्वारा स्थापित की गई पैंथर गैलरी, जिसमें जवाई क्षेत्र, जयसमंद क्षेत्र और उदयपुर क्षेत्र के कुछ पैंथर के दृश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा लेक्सिट न्यूज़ का आप लोगों से एक ही अपील है कि वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षा आप लोगों को भी करनी है। वन विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं और वहां पर अगर कोई जानवर दिखता है, वन्य जीव दिखता है, तो अपनी गाड़ी स्लो कर लीजिए ताकि वह भी अपने गंतव्य तक पहुँच सके। जी हाँ, दिन ब दिन पैंथरों के मारे जाने की घटना भी लगातार सामने आ रही है, जिससे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जो पैंथर विचरण करते हैं उनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। हाल ही में 2 पैंथर अभी उदयपुर क्षेत्र में मारे गए हैं। इससे कहीं ना कहीं वन्य जीवों को खतरा पैदा होता जा रहा है।
लेक्सिट न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें और वन्य जीवों को भी सुरक्षित रखना है, ताकि आने वाले समय में हमारे वन बच पाएंगे और हमारे वन्य जीव बच पाएंगे। तो अब दीजिए इजाजत संजय कुकावत को और लेक्सिट न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए लेक्सिट न्यूज राजस्थान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह हमारी कवरेज, हमें मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करें।